आपके पास जो प्रीपेड सिम कार्ड है इस कश्मीर के बाहर का, जम्मू कश्मीर के बाहर का, वो इधर नहीं चलेगा। कश्मीर से जो लोग नहीं है और जो लोग कश्मीर के बाहर से है और वो कश्मीर में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो कश्मीर पहुंचने के बाद तुरंत उसको एक प्रॉब्लम फेस होता है। वो है कि पहुंचने के बाद उसको घर को, घर वाले को कॉल करना रहता है कि हम पहुंच गए, तो उसके लिए पहले चाहिए मोबाइल नेटवर्क। लेकिन मोबाइल नेटवर्क में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हम लेके आए हैं। लेकिन वो जहाँ से हमें पता चला है उसको हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और सोल्यूशन में ऐसा है कि अगर आपके पास जो प्रीपेड सिम कार्ड है इस कश्मीर के बाहर का, जम्मू कश्मीर के बाहर का, वो इधर नहीं चलेगा। यहाँ पर कौन सा सिम कार्ड चलेगा, कैसा प्लान रहेगा, कहाँ कहाँ उसका नेटवर्क आएगा, 4G 5G क्या प्लान है, वो हम आज, मैं मेरा सिम कार्ड लेने के लिए आया हूँ, तो बात करेंगे उसके साथ, वो भैया के साथ। छोटी एक दुकान है मेरे होटल के बाजू में, तो बताएंगे कौन सा सिम लेना अच्छा रहेगा, क्या प्लान रहेगा और कितने तक, कितना GB तक उसका डेटा मिलेगा 4G और 5G नेटवर्क में। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ दुकान में। सिम कार्ड तो हमने ले लिया, लेकिन अंदर जाके एक भाई ने बोला कि हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसका कुछ है, तो जियो का और एयरटेल का जो प्लान है वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो प्लान है वो आपको इधर का, कश्मीर का 4G जो सिम कार्ड है वो लेना पड़ेगा। उसमें जियो का भी अवेलेबल है, उसमें एयरटेल का भी अवेलेबल है। एयरटेल में 5G सर्विस अवेलेबल है, वो है खाली श्रीनगर में, और पहलगाम गुलमर्ग में जाना है आपको, वहाँ पे आपको 4G मिलेगा। बात करें जियो की, तो जियो में आपको सारी जगह पे 4G का नेटवर्क मिल जाएगा। तो हमने उसका सिम कार्ड एक एयरटेल का लिया है और मैंने एक दूसरा लिया है जियो का। तो दोनों सिम कार्ड यूज़ करके देखेंगे कहाँ पे कौन सा अच्छा नेटवर्क आएगा। तो दोनों सिम कार्ड तो मेरे लगते हैं हमारे गुजरात में तो सही चल रहे हैं, लेकिन अभी कश्मीर का नेटवर्क देखते हैं कैसा चलेगा। अभी हमने ले लिया है सिम कार्ड, अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल की ओर, ठीक है। तो अभी जब आप कश्मीर घूमने के लिए आओ, तब आपको कोई एजेंट से आपने प्लान किया है तो आप उसको एक बार पूछो, अगर ना बताए और, तो आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा सिम कार्ड लेना पड़ेगा और कौन सा सिम कार्ड सही है। आवाज़ भी थोड़ा बैठ रहा है क्योंकि इधर अभी टेम्परेचर है -3, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक बाय।